हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो ये हमारा एक नया 3BHK फ्लैट कंप्लीट हुआ है, जिसका मैं इंटीरियर अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे हमारा कंप्लीट इंटीरियर देख सकते हैं। ये हमारा लिविंग रूम हो गया, एल शेप का हमारा सोफा दिया हुआ है, इसी के साथ ऊपर हमारा फॉल सीलिंग यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ वॉल मोल्डिंग्स प्लस वॉलपेपर का डिजाइन हमारा है, और ठीक यहाँ पे हमारा एक पार्टीशन दिया हुआ है। ये हमारा एक पार्टीशन है जो कि डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया को डिवाइड करता है। उसके साथ ही आप अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा टीवी यूनिट है। तो ये कंप्लीट हमारा एक टीवी यूनिट एरिया हो गया यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया हो गया। ये डाइनिंग एरिया हमारा है, इसके ऊपर कुछ क्रॉकरी यूनिट है, नीचे पे कोई भी एक सेट नहीं है, कोई भी स्टोरेज का सेट नहीं है, सो दैट की स्पेस हम लोग को अच्छा वाइडन मिले और एक डाइनिंग स्पेस रखने के लिए काफी स्पेशियस है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा मॉड्यूलर किचन बना हुआ है। ये मॉड्यूलर किचन है, कंप्लीट एक्रेलिक फिनिश के अंदर है, एज वेल एज आप सारा देख सकते हैं हैंडल्स, ये सब कुछ सॉफ्ट क्लोज के अंदर किया हुआ है। तो जितने भी आप देखिएगा हैंडल्स सारे रोज गोल्ड फिनिश के अंदर है, एक्रेलिक फिनिश और सॉफ्ट क्लोज। जितने भी हार्डवेयर है सारे हेटेज के हार्डवेयर यूज किए हुए हैं, तो जहां पे भी हम लोग यूज कर रहे हैं सब कुछ सॉफ्ट क्लोज टैंडम ड्रॉर्स है। ये हो गया कंप्लीट एक्रेलिक का फिनिश। इसके साथ ही ये हमारा छोटा सा गेस्ट बेडरूम हो गया जो कि काफी ब्यूटीफुली बना हुआ है। यहाँ पर हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है, आप देख सकते हैं ये स्लाइडिंग वार्डरोब यहाँ पे हो गया। यहाँ पे वॉल मोल्डिंग्स के साथ अगेन हमने डिजाइन्स बनाए हुए हैं और वो हमारा एक्सेल फॉल हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट है जिसका स्टोरेज यहाँ पे दिया हुआ है, और ठीक इसके बगल में हमारा पूजा यूनिट है। तो ये एक रूम था जिसके अंदर ये बालकनी का एरिया दिया हुआ था, जिसको हमने डिवाइड करके पूजा यूनिट बनाया। तो आप भी अपने फ्लैट में छोटे से स्पेस को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये पूजा यूनिट हो गया, आप देख सकते हैं कि अंदर बैक लाइटिंग दिया हुआ है और इस तरीके का हमारा इसमें डिजाइन बना हुआ है सीएनसी कटिंग के अंदर। यहाँ पे आइडल रखने के लिए, भगवान की मूर्ति रखने के लिए एक सुंदर सा गोल्डन फिनिश के अंदर, मिरर फिनिश के अंदर भगवान की मूर्ति रखने के लिए बनाया है, और नीचे हमने स्टोरेजेस बनाया है जहाँ पे आप सारे ही पूजा के सामग्री आप यहाँ पे रख सकते हैं, एज वेल एज आप आराम से बैठ के यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। काफी सारे लोग हैं जो बैठ के पूजा करना पसंद करते हैं, उनके लिए स्पेस काफी अच्छा है, और जब आप नहीं यूज कर रहे हैं तब आप इस एरिया को बिल्कुल आराम से बंद करके अब ब्लॉक कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट रूम की तरफ। यहाँ पे एक बार मैं आपको वापस से पार्टीशन दिखलाना चाहूंगा, तो आप पार्टीशन देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली हमारे यहाँ पे पार्टीशन बना हुआ है वुडन फिनिश के अंदर। नीचे भी आप इसका डिजाइन देखिएगा, ये बिल्कुल परफेक्टली एक हमारा डाइनिंग एरिया प्लस लिविंग एरिया को सेपरेट करता है, एज वेल एज रूम छोटा भी नहीं लगता है, बिल्कुल कंप्लीट एक पार्टीशन नहीं होता है। उसके साथ आप कभी भी स्टोरेजेस आप देखिएगा, स्टोरेजेस के अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने सारा स्पेस दिया है, जिससे ये काफी बॉक्सी स्ट्रक्चर नहीं लगता है, हर एक चीज आपका स्पेशली यूटिलाइज लगता है। नेक्स्ट ये हमारा किड्स बेडरूम हो गया। तो आप किड्स बेडरूम का सीलिंग एक बार देख सकते हैं, ये जो हमारे क्लाइंट है उनकी बेटी का रूम है, तो बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुली क्लाउड के स्ट्रक्चर में फॉल सीलिंग बना हुआ है, बेड जो है वो भी इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे हमारे एक सुंदर सा स्टडी टेबल हो गया और बहुत सुंदर से स्टोरेजेस हमारे यहाँ पे हो गए। इसके साथ आप बेड का जब डिजाइन देखिएगा तो बेड भी बिल्कुल हार्ट के शेप में बना हुआ है, जैसा कि बच्चों को पसंद आता है। तो जो भी चीजें हमने यहाँ पे बनाई है वो बिल्कुल कस्टमाइज एरिया बना हुआ है। इसके साथ ही आप यहाँ पे अगर स्टोरेजेस देखिएगा तो हर एक जगह को हमने यूज किया, आप रूम का साइज देख सकते हैं, रूम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट स्पेस हमने काफी सारे दिए हैं स्टोरेजेस के लिए। यहाँ पे ये कस्टमाइज हम लोग का लैमिनेट लगा हुआ है, जैसा कि बच्चों को पसंद आता है वैसे ही कस्टमाइज लैमिनेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और सारा कुछ स्लाइडिंग के अंदर है। ये हमारा कवर्ड स्टोरेज हो गया, ये हमारे ग्लास वाले स्टोरेज हो गए जहाँ पे अपने टॉयज रख सकते हैं, यहाँ पे बाकी के स्टोरेजेस हो गए, यहाँ पे कपड़े रख सकते हैं, वहां पे आपका स्टडी टेबल हो गया, बेड हो गया, साइड टेबल्स हो गए,
काफी सारा स्टोरेज हमने इस रूम के अंदर दिया है, इतने छोटे से रूम के अंदर काफी सारा स्टोरेज दिया है। इसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एरिया मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। तो ये हम लोग का एक छोटा सा बालकनी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको यूज किया है। वॉशिंग मशीन एरिया है यहाँ पे, वॉशिंग मशीन के साथ हमने जो इन्वर्टर बैटरी है उसको भी हमने स्पेस दिया है, एज वेल एज यहाँ पे ये झूला का स्पेस हो गया। तो यहाँ पे आप आराम से शाम के टाइम में बैठ सकते हैं, और जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे गंदगी आपके घर के अंदर नहीं घुसेगा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ सीधा मास्टर बेडरूम की तरफ। मैं एक बार ये आपको साइड स्टोरेजेस भी दिखाऊंगा कि हमने वार्डरोब देने के बाद भी यहाँ पे जो साइड स्टोरेज है उसको बहुत स्मार्टली इसको यूज किया है। आप देख सकते हैं कि हर एक जगह यहाँ पे वेल यूटिलाइज्ड है, और जितने भी स्विच बोर्ड है वो सारे हमने अच्छे से यहाँ पे प्लेस करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हर एक स्पेस को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, छोटे से छोटे स्पेस को हम लोग यूज करते हैं। एंड फाइनली ये हमारा मास्टर बेडरूम हो गया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम हमें लग रहा है। यहाँ पे बेड है हमारा, और उसके साथ पीछे पे विंडो था, बट स्टिल हमने उसको यूज करते हुए यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया, हेडबोर्ड बनाया जिससे आपके स्पेस यूज हो। साइड में चारकोल लूबर्स हमने लगाए हैं। उसके बाद ये पूरा कर्टन का स्पेस हो गया, एसी के लिए स्पेस हमने दिया। हर एक चीज वेल यूटिलाइज हमने यहाँ पे किया है। अगेन कुछ वॉल मोल्डिंग्स के साथ वॉलपेपर यूज किए हुए हैं, और सामने की तरफ हमने ड्रेसिंग यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ड्रेसिंग यूनिट भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और स्पेस को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सामने बड़ा सा मिरर है, स्टोरेज है, और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लुक इसका कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे वार्डरोब दिया हुआ है, और वार्डरोब भी आप देख सकते हैं कि मेटालिक फिनिश के अंदर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो हर एक चीज हमने थोड़ा प्रीमियम और एलिगेंट लुक के अंदर दिया है। और जैसा आपने किड्स बेडरूम देखा था, बिल्कुल पर्सनलाइज बच्चे के लिए हमने उसको डिजाइन किया है। छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, उनके लिए हमने बेडरूम को डिजाइन किया है। तो हम लोग जो भी यूजर होते हैं उसके हिसाब से बेडरूम्स को डिजाइन करते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि हमने एक बॉक्स बस बनाया और वो कहीं पर भी आप लगा लो और वो यूज हो जाए। गेस्ट बेडरूम आपको गेस्ट बेडरूम जैसा दिखेगा, किड्स बेडरूम बिल्कुल पर्सनलाइज किड्स बेडरूम की तरह दिखेगा, जो मास्टर बेडरूम होगा वो बिल्कुल प्रीमियम मास्टर बेडरूम की तरह होगा। आप इसका फिनिश भी देख सकते हैं कितना सुंदर आपको रिच लुक लग रहा होगा। और आपको मैं बताऊं ऑनेस्टली तो ये काफी कम बजट के अंदर हमने ये कंप्लीट फ्लैट को बनाया है। इसका अगर आपको रेट जानना हो, बजट जानना हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा ही काम कराना हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं www.sahufoundation.com, या नीचे दिए गए नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और ऐसे ही काम के लिए आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।